गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या वोट देंगे इस बार? बिल्कुल कांग्रेस को ही रहेगी सारी वोट। हाँ। सारी दुनिया कांग्रेस को ही दे रही है, जो बीजेपी के खास आदमी है वो ही वहाँ वोट डालेंगे, बाकी कोई नहीं डालेगा। 15 लाख रूपया कहाँ गया? क्यों नहीं दिया? 15 लाख का वादा किया था मोदी जी ने, 15 बहनों भाई मेरी सरकार आएगी तो 15 लाख रूपए दूंगा, 1 लाख भी नहीं दिया। 15 तो बहुत दूर की बात है। रेल भेज दो, तेल भेज दो, अगर कोई इनसे सवाल पूछे तो जेल भेज दो। चोर चोरों को, झूठों को, मक्कारों को जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। ना पसंद नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज तिवारी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? मनोज तिवारी अगर वोट मांगने आएंगे ना भैया, हमें वोट नहीं देना। झूठों को तो वोट नहीं देगा, तुम्हें तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। वोट तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, कितना भरोसा है कांग्रेस पे इस बार? कांग्रेस को कुछ भरोसा नहीं है। बताइए, इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, क्या कहेंगे? भरोसा है? पूरा पक्का भरोसा कन्हैया कुमार का। हाँ। जीत के जाएंगे अब की वो? इस बार जीतेंगे। हाँ। हाँ। यहाँ से मनोज तिवारी कितनी बार देखे होंगे, सांसद हैं? हमने तो एक बार भी नहीं देखा। हाँ। एक बार भी नहीं देखा। आपके यहाँ से कन्हैया कुमार जीते हैं? कन्हैया कुमार जीते हैं 100%। जनता दो बार बेवकूफ बन चुकी है, लेकिन अब मोदी जी को झोला उठा के यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर फेंकेगी जनता। क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, किसका माहौल देख रही हैं? देखिए, मैं कन्हैया कुमार का माहौल देख रही हूँ, और हमें हक है अपने युवा चुनने का, सरकार बदलने का, सरकार चुनने का। ये हमारा कीमती वोट है और हम अपना वोट इस बार जनता जाया नहीं करेगी। बस मोदी मोदी मोदी, जो अनभक्त है ना, गोबर भक्त, सिर्फ वो ही मोदी मोदी करते हैं। मगर अब तो वैक्सीन भी लग गई उनके, गोबर में वो नहा रहे थे, जा रहे थे जब कोरोना हो गया था। अब तो देखो अटैक पड़ रहा है दुनिया भर का। अब भैया कहाँ बचोगे? तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारी जिंदगी का सौदा कर दिया मोदी ने। अटैक पड़ जाएंगे, कहाँ जाओगे? तुम्हारे अब्बा जी ने, तुम्हारे भगवान ने, उसको भगवान कहते थे मोदी जी को, भगवान मानते थे वो। देखो उसने जिस जो वैक्सीन चालू करी थी कंपनी वालों, उन्होंने भी कह दिया कोर्ट के अंदर कि ये वैक्सीन बढ़ने के चांसेस है। क्या नाम है आपका? यही के रहने वाले हैं। कांग्रेस और केजरीवाल साथ में आ गए हैं और मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं, क्या लगता है फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। हाँ। इसको बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी को फायदा है। हाँ। अब कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं गठबंधन के, कांग्रेस पे कितना भरोसा है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को? बहुत ज्यादा कांग्रेस पे भरोसा है। उसकी वजह? जिसने देश को बनाया है 75 साल कांग्रेस ने बनाया है, रेलवे बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिया, भरोसा नहीं होगा? इन चोरों ने क्या करा है, दलालों ने, इन्हें तो बेचा ही है, तो क्यों नहीं भरोसा होगा? हमें भरोसा है, तभी तो जनता उनको चुन के लेकर आना चाहती है। और राहुल जी हर किसी के बीच में गए, जनता के बीच में गए हैं, क्या मोदी जी से 2 कदम चल के दिखा दो कि जनता के बीच में आ जाए? तो भाई तुम किसके उसके हो? तुम क्यों कहते हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ? बस मंच पे बोल जाते हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसा। बहनों भाइयों, ये मीठी बोली अंदर जहर। बहनों भाइयों, उस टाइम होता है मन से, उसके बाद में बहनों भाइयों मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। एक ट्वीट तक का नहीं होता मोदी जी से। आखिर क्यों चुप्पी बांधे साझे रहते? आखिर क्यों, किसके दबाव में रहती है सरकार? ये मोदी जी सरकार चलाई है, अडानी अंबानी सरकार चलाए? पहले तो अगर मुझे कैमरे पर देख रहा होगा मोदी जी, तो मैं सवाल पूछना चाहूंगी मोदी जी से, कौन चला रहा है? पहले तो ये बता दे, अडानी अंबानी की सरकार बता रहे, क्या नाम है आपका? मेरा फैजान। यहीं के रहने वाले हैं जी। बताइए यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्या, कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ पे। हमारे कांग्रेस राज्य है, केजरीवाल जी को बंद करा दीजिए, हमें तो कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस जी आने चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए जी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए, भरोसा है इस बार कन्हैया कुमार पे? जी। अच्छा, महंगाई बढ़ी है या घटी है सरकार? बढ़ी है, बढ़ी है महंगाई, काम नहीं है किसी का, बढ़ी है महंगाई। आमदनी कितनी बढ़ी? आमदनी बहुत बढ़ गई यहाँ पे, यहाँ दुकानों पर रेट आप एक की चीज मांगोगे 10 की बताएगा, पूछ लिए चल के। हर चीज पर जी अच्छी लग गई है, और कारोबार हमारी बढ़िया। सरकार में काम बहुत अच्छे थे, एक प्रॉपर्टी का भी जो काम थे ऊपर थे, और आज देखो 0/0 है, कहीं भी काम नहीं चल रहे, सारे लोग परेशान है यहाँ कारोबार की, यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही बहुत फर्क हुआ है। काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार फिर रहे हैं। आखिर जनता को काम चाहिए ना, कि हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। मनोज तिवारी सांसद हैं बीजेपी से, कितनी बार आए हैं? है? मनोज तिवारी जो सांसद हैं बीजेपी के, वो आए हैं कभी यहाँ? नहीं। समस्या जानने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। यहीं के रहने वाले हैं? जी। बताइए, मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, कितनी बार आए? एक भी बार नहीं आए। हाँ। ना दिखते हो, वो तो अपना वोट के चक्कर में आते हैं, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म, बस
बस वोट मांगने आते हैं, बस वोट का ही काम है उनको, और क्या काम है यहाँ। दुनिया परेशान है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। किन किन चीजों से परेशान है आप लोग? रोजगार से, हर इंसान कोई भी हो सब रोजगार से परेशान है, रोजगार से सारे काम है भाई, रोजगार से सारे काम है। कोई भी हो, अगर रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो सब कुछ खराब है। मतलब रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। महंगाई बढ़ी है या घटी है? तो बढ़ रही है दिन ब दिन, अभी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। अभी तो पता नहीं कहाँ जाएगी महंगाई, महंगाई के साथ साथ लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी तो यही चल रहा है कारनामा इनका, और क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा है, इन्हें मराओ इन्हें कटाओ, यही चल रहा है, और क्या चल रहा है देश में, यही हो रहा है बस। राशन दे रही है बीजेपी सरकार, कह रही है राशन मिल रहा है सीधा। हमारे पास तो कोई राशन नहीं आया अभी तो, कोई राशन नहीं, हमारे पास तो कोई राशन नहीं है। निकाल लो आप, आधार कार्ड दिखाऊं, निकाल के दिखा लो, अगर इसी में भी आ जाओ। राशन जनता दे देगी, मोदी जी गद्दी छोड़ दे, राशन खा ले, कारोबार चाहिए जनता को, बेरोजगारी है, कारोबार चाहिए, क्या उनसे राशन नहीं भरा जाएगा अपने घर में? रक्षा चलाने वाला अपने बच्चों का पेट पाल देता है, ये रहे रक्षा के सारे, ये भी पेट भर रहे हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, सिर्फ राशन, पैसे क्यों नहीं देते? 15 लाख रुपया कहाँ गया, क्यों नहीं दिया? 15 लाख का वादा किया था मोदी जी ने, 15 बहनों भाई मेरी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख भी नहीं दिया, 15 तो बहुत दूर की बात है। ये तो झूठों की सरकार है। कांग्रेस पे कितना भरोसा है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में? कांग्रेस से तो भाई भरोसा ही है, जब तो सब बताओ किसी ने कभी शिकायत करी भाई? रोड खाने को नहीं दे रहे, कारोबार खाने को देते हैं, सबका काम सेट हो जाए, कोई भी पंगा नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा। गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या वोट देंगे इस बार? बिल्कुल कांग्रेस को ही रहेगी सारी वोट, सारी दुनिया कांग्रेस को ही दे रही है, जो बीजेपी के खास आदमी है वो ही वहाँ वोट डालेंगे, बाकी कोई नहीं डालेगा। तेल बेच दो, तेल बेच दो, अगर कोई इनसे सवाल पूछे तो जेल भेज दो, तो जनता आपको इनको अच्छा सा सबक सिखाएगी और इनको झोला उठा के मट से बाहर फेंकेगी। मनोज तिवारी यहाँ पर वोट मांगने आते हैं? नहीं, वोट मांगने तो सभी आएंगे ना, वोट मांगने सब आएंगे, काम करवाने को हमारा यहाँ पे कौन आ रहा काम करवाने? वोट मांगने तो जमाना आएगा यहाँ पे, उन्हें चाहिए भाई आज ही, तो तुम भी ले लो। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं, कितनी बार आए हैं? हम तो जानते नहीं मनोज तिवारी है कौन, जानते ही नहीं। अरे हम जानते नहीं क्योंकि बंदा आया ही नहीं, पोस्टर में दिखता है, पोस्टर तो जमाना लगा, पोस्टर हमारा लगा हुआ देख लो, पोस्टर तो हर जगह लगा हुआ, जब यहाँ पे आ गए अभी तो जानेंगे कोई है मनोज तिवारी है कौन भाई, कोई जानता है यहाँ पे? कौन जानता है, कौन जानता है बताओ? केजरीवाल को कौन जानता है? पूरी दिल्ली जानती है, ठीक है, क्यों जानती है? यहाँ से भी गया है वहाँ से भी गया है, ठीक है, और काम कौन करा रहा है यहाँ पे? कौन करा रहा है भाई? केजरीवाल ही काम करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या काम करवाया है केजरीवाल? अरे ये स्कूल देख लो तुम, पीछे बना हुआ रखा है ये रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, कितना भरोसा है कांग्रेस पे इस बार? कांग्रेस पे कुछ भरोसा नहीं है। तो बताइए गठबंधन का फायदा होगा नुकसान? फायदा होगा गठबंधन का, फायदा होगा जी। इधर क्या क्या चाहिए यहाँ की जनता को, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? अब रोजगार चाहती है, रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। रोजगार चाहिए जी। आपको क्या चाहिए इस बार भाई? काम धंधा चाहिए, कारोबार चाहिए, और क्या चाहिए भाई? मजदूर आदमी अपने परिवार को पालने के लिए रोजगार पहले ढूंढता, रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा? परेशान है आज के टाइम में, हर आदमी परेशान, काम नहीं है, थोड़ी देख रहा है। मनोज तिवारी ने कितनी बार देखा है, वो कह रहे हैं शौचालय भी बनवा दिया, मेट्रो भी बनवा दिया। देखो ईमानदारी से कहेंगे, हमारे सामने तो आज तक कभी आए नहीं वो, समझे नहीं, और ना कभी उन्होंने हमारी समस्याओं को पूछा, और ना कभी हमारी किसी समस्या में वो काम आए। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल जलील नाम है। बताइए मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है, कितनी बार आए हैं चाचा? कभी भी नहीं आए यहाँ, कभी भी नहीं आया, किसी के ना दुख में परेशानी में किसी बात में आती नहीं है वो, कोई नहीं आता। वो तो कह रहे बच्चा बच्चा जानता है उन्हें, कोई भी नहीं आता, भैया कोई जानता भी नहीं, जानते हैं वो फिल्मों के हिसाब से जानते हैं जी मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी लचनिया को फिल्मों के हिसाब से जानते हैं, वो जो नाच गाना करते थे ना भोजपुरी में, बस जब जानते हो ना मनोज तिवारी को कोई नहीं जानता, केजरीवाल को जानते हैं, राहुल गांधी जी को जानते हैं, हम तो इनको जानते हैं जो हमारे बारे में सोचे, जो देश का सिपाही। इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, क्या कहेंगे, भरोसा है?
पूरा पक्का भरोसा कन्हैया कुमार का? हाँ। जीत के जाएंगे आपकी वो इस बार? जीतेंगे। हाँ? हाँ। जीतेंगे। और किस वजह से जिताएंगे आप उन्हें? काम अच्छा हुआ उनका, अच्छा अच्छा काम कर रहा है कांग्रेस, बढ़िया काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस गरीबों की हमदर्द है, बीजेपी नहीं है। नहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं है। हिंदू मुसलमान का पाकिस्तान का और कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और कुछ नहीं है। रोजी रोटी मेरी खत्म होगी, मजदूरी करता था, आज मैं पूरे दिन में 500 रुपए का 200 रुपए कमाना भारी पड़ गया। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और कुछ नहीं है मोदी, और कुछ नहीं। बोलो तो आ जाएगा। मैं मजदूरी करता हूँ, 5 बजते किराए पर रहता हूँ, मेरा किराया भी नहीं कर पाता है। कांग्रेस के टाइम में कैसा था? कांग्रेस का टाइम ऐसा था कि 2 रोटी थे, बच्चों की पाते थे, किराया भी देते थे। अब नहीं है, अब नहीं है, बच्चे बनने भारी पड़ रहे थे। बच्चे पैदा ही कौन कर रहा है, अब रोक दिए बच्चे तो मोदी ने। अच्छा आम आदमी पार्टी पे कितना भरोसा है? आम आदमी पार्टी पे भरोसा, कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों मिले हुए मोदी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, गठबंधन होगी सरकार, लेकिन राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। कोई राहुल आना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए, कितना भरोसा है उन पर? भरोसा है उन पर, भरोसा है। वो पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा नहीं है, ये इससे ज्यादा पढ़ा हुआ है, इससे ज्यादा समझदार है। मनोज तिवारी से अच्छा बंदा है, बढ़िया भरोसा का बंदा है। इसलिए ऐसा तो नहीं है नया चेहरा, क्योंकि मनोज तिवारी तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार आएगा, आएगा और लाएंगे उसे। वो कह रहे हैं मेट्रो बनवाई है हमने, तो मेट्रो किसने बनवाई? शीला दीक्षित ने बनवाई है, इन्होंने तो बेचा है, सब कुछ बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी और हवाई अड्डा बेच दिया। ये बात करते हैं, ये इन्होंने बनाई है, क्या दिया है? हॉस्पिटल एक नहीं बनाया, हॉस्पिटल बनाया, सारा कुछ जो बनाया है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, शीला दीक्षित ने बनाया है, राहुल गांधी की दादी ने बनाया है। इन्होंने क्या बनाया है बता दो मुझे, आज भी क्या कुछ बनाया है? तो इनके राज में कुछ बना ही नहीं, बेरोजगारी सिर्फ इन्होंने दी है, सिर्फ जनता को बेरोजगारी, भूख से मरना, बस यही करा है और बाकी कुछ नहीं करा।